हमारे देश में कई ऐसे महापुरुष हुए जिनके जीवन और विचारों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके विचारों को यदि कोई निराश व्यक्ति भी सुन ले तो उसे जीवन जीने की एक चाह मिल जाती है। ऐसे ही एक महापुरुष हुए महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ और बिहार के बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज बुद्ध जयंती पर चलिए महात्मा बुद्ध के 10 अनमोल विचारों को जानते हैं और उनसे कुछ सीखने का प्रयत्न करते हैं। एक जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज़्यादा डरना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि एक जंगली जानवर तो आपको सिर्फ शारीरिक क्षति पहुंचा सकता है, परंतु एक दुष्ट और कपटी मित्र आपकी बुद्धि को खराब कर सकता है और एक बुद्धिहीन व्यक्ति किसी लायक नहीं होता। चाहे आप कितने ही पवित्र शब्द पढ़ लें अथवा बोल लें, ये शब्द आपका भला तब तक नहीं करेंगे जब तक इन शब्दों का आप अपनी रियल जिंदगी में प्रयोग नहीं कर लेते। बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करता है लेकिन उन बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करता तो उसके द्वारा कहे गए शब्दों का क्या महत्व रह जाता है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या हो चुका है, मैं हमेशा यह देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। बुद्ध कहते हैं लिव इन प्रेजेंट, पास्ट में क्या हुआ उसकी चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि उसे चाह कर भी आप नहीं बदल सकते। भविष्य में क्या होगा यह भी आप नहीं जानते, इसलिए अपने वर्तमान को ठीक से जियो। यदि वर्तमान में अच्छे कार्य करोगे तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमारी सोच का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत पड़ता है। यदि हम हमेशा पॉजिटिव विचार अपने मन में रखेंगे और उसी के हिसाब से काम करेंगे तो हमें हमेशा सफलता हाथ लगेगी, और यदि हम नेगेटिव विचार अपने मन में रखते हैं और फिर कोई कार्य करते हैं तो हमेशा असफलता हाथ लगती है। खुशी तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, खुशी खुद एक रास्ता है। बुद्ध कहते हैं बाहर की किसी भी वस्तु में खुशी का अनुभव नहीं होता। हम हमेशा भौतिक वस्तुओं में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं, जैसे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, आईफोन, इन सब चीज़ों में हम खुशी ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। हो सकता है कि कुछ पल के लिए आपको खुशी मिल जाए, लेकिन वास्तविक खुशी आपको तभी मिलेगी जब आप अपने आप को जानेंगे। आप यह पहचान लेंगे कि सच क्या है। आपके क्रोध के लिए आपको दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि आपके क्रोध के कारण आपको दंडित किया जाएगा। बुद्ध कहते हैं जब आप किसी और पर क्रोध करते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे से अधिक आप पर ज़्यादा पड़ता है। आपका गुस्सा आपके माइंड को ही कंज्यूम करता है और आपके आनंद को चुरा लेता है। किसी भी चीज़ पर भरोसा ना करें। कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कहाँ पढ़ा, किसने कहा है, चाहे मैंने ही क्यों ना कहा हो, जब तक आपके तर्क और कॉमन सेंस के साथ वह एग्री ना कर जाए। बुद्ध कहते हैं कि हमें इस दुनिया को अपने नज़रिए से देखने का प्रयास करना चाहिए, अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना चाहिए। जरूरी नहीं है जो सब कहते हैं, जो सब करते हैं वो बिल्कुल सही हो, वे सभी बातें आपके तर्क पर भी खरी उतरनी चाहिए। मेडिटेट करें, इसे टाले नहीं, वरना बाद में आप पछताएंगे। मेडिटेशन एक पावरफुल तरीका है अपने दिमाग को शांत रखने का और खुश रहने का। रिसर्च से पता चलता है कि मेडिटेशन आपके स्ट्रेस को कम करता है और अटेंशन पावर को बढ़ाता है। कहीं पहुंचने से बेहतर है एक अच्छा सफ़र। लाइफ एक जर्नी है और हम सभी यहाँ एक यात्री हैं, तो हमें यह सफ़र अच्छे से खुश होकर तय करना चाहिए। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, इसलिए इससे डरने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें यह सफ़र खुशी खुशी तय करना चाहिए। आज में जीना ही जिंदगी को जीने का सबसे बेहतर तरीका है, बजाय कि पास्ट में और फ्यूचर में जीने के। अपने दिमाग को कंट्रोल करो, नहीं तो यह आपको कंट्रोल करेगा। बुद्ध कहते हैं अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। यदि आप इसे अपने नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो यह आपके सामने बेफालतू के विचार रखता रहेगा। इसके पास लाखों ऐसे विचार हैं जिनमें यह आपको बिजी रखेगा, और अपने मन पर नियंत्रण रखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ध्यान लगाना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।
जय हिंद।